हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आप देख रहे हैं टच शंकर, मैं शिव शंकर मिश्रा। आज मैं आपके लिए वीडियो लाएँ डूर लॉक ओपन प्लीज क्लोज, इस पर यह वीडियो है। मैं वीडियो कई डाल रखा हूं लेकिन इस वीडियो का कुछ अलग ही महत्व है, तो आप पूरी वीडियो हमारे ध्यान से देखेंगे। तो अगर आपके IFB वॉशिंग मशीन पे, ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की बात कर रहा हूं, अगर यह दिखाई दे डूर ओपन प्लीज क्लोज, तो यह मत समझ लेना कि डूर लॉक खराब है या डूर लॉक स्विच खराब है। मैं आपको इसी पे वीडियो दिखाऊंगा कि आखिर कभी कभार डूर लॉक स्विच खराब होता है तो कभी नहीं खराब होता है, कभी गेट का लॉक खराब होता है तो कभी नहीं होता, लेकिन ये डूर लॉक एरर आ रहा है, इसी पे यह वीडियो है। तो आप वीडियो ध्यान से देखना, इसको हम कैसे हटाएं। तो चलो आपको हम दिखाते हैं कि ये अगर डूर लॉक इस तरह से एरर आ गया, डूर ओपन प्लीज क्लोज, तो इसको हटाना है। कैसे हटाएंगे हम आपको पूरी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, क्योंकि इसमें जो कमी है उस कमी को हम दूर करेंगे। मैंने 2-3 वीडियो इस पर बना रखा हूं, लेकिन वो अलग थी और ये अलग है, क्योंकि इसमें जो कमी होगी वो दूसरी हो सकती है और जो पहले कमी थी वो दूसरी हो सकती थी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है। अगर आप एक वॉशिंग मशीन के टेक्नीशियन हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो हमारी वीडियो ज़रूर पूरी देखना। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं और आपको हम पूरी वीडियो दिखाते हैं कि इसका समस्या का समाधान कैसे हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम डूर लॉक स्विच को खोलेंगे, गेट को खोल दिए हैं। यहाँ पर 2 स्क्रू लगे होंगे, उन स्क्रू को आपको खोलना है। तो दोस्तों आप जो ये स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, ये टच शंकर की है। हम इस स्प्रिंग को बाहर निकालेंगे और ये स्लीव रबड़ को हटा के इस डूर लॉक स्विच को हम निकाल लेंगे। पूरा नहीं खोलना, बस आधा से ही निकालना है। अब हम इस स्विच को बाहर निकालेंगे और इसमें देखते हैं कि आखिर इसमें कमी क्या है। तो ये साफ साफ ही दिख रहा है कि ये जल गया है, जो बीच का ब्राउन वायर है ये जल गया है, मतलब इसका थिम्बल जल गया है, वायर भी जल गई, इसलिए यह डूर लॉक ओपन प्लीज क्लोज बता रहा था। अब ये तो आपको जल्दी मार्केट में मिल नहीं सकेगा और कहीं भी आप ला नहीं सकते हो। तो आपको अगर एक टेक्नीशियन है, इस वॉशिंग मशीन को चालू करना है, तो मैं आपको सबसे सरल तरीका बताऊंगा, क्योंकि ये कनेक्टर तो मिलेगा नहीं, आप ढूंढ भी नहीं सकते हो जल्दी। तो इस कनेक्टर को आपको, इस वायर को काट देना है और इसमें एक मैं थिम्बल दिखाऊंगा, उस प्रकार के थिम्बल जो क्लिप टाइप होता है, ये देख रहे हैं, इस टाइप को आपको 3 थिम्बल मार्केट से फटाफट देर ना करते हुए ले लेना है। थिम्बल तो आसानी से आपको मिल जाएगा, ये क्लिप टाइप थिम्बल है, तो ये थोड़ा बढ़िया होता है, हार्ड भी होता है, लूज भी नहीं रहेगा, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। तो आप ये मार्केट से जाके 3 पीस खरीद लेंगे और ये हर मार्केट में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं मिलेगा, हर मार्केट में मिलेगा, अवेलेबल रहेगा, लेकिन वो जो कनेक्टर जला हुआ वो नहीं मिलेगा, आप ढूंढ के परेशान हो जाएंगे। तो चलो हम इन वायर को काटेंगे और आपको जो वायर जहाँ से 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर, इस वायर को आपको ख्याल करना है। तो जो ब्राउन वाला 3 नंबर पे लगा हुआ था और 1 नंबर पे ब्लैक है और 2 नंबर पे कुछ ग्रे कलर का है, इन तीनों तार को आपको वैसे ही कनेक्शन करना है जैसे ये लगा हुआ था। आपको ये विशेष ध्यान देना पड़ेगा, आप इस वायर को उल्टा सीधा नहीं लगाएंगे, नहीं इसमें और भी कमियाँ हो सकती हैं। आपको विशेष कर इसकी फ़ोटो खींच लें या आप इसको लिख लें, तो इस प्रकार से इसमें आपको लगाना पड़ेगा। देखो डूर लॉक स्विच में भी कुछ जला हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि डूर लॉक स्विच हमारा ख़राब हो गया है।
अब इस कनेक्टर के वायर को हमें काट देना। देख रहे हो जल गया, पूर्ता छोड़ भी दिया है। अब हमें इन तीनों वायर को काट के और इस कनेक्टर को फेंक ही देना है, क्योंकि अब ये काम नहीं कर सकता। इसका थिम्बल भी जल चुका है, तार भी जल चुका है, तो इन सब को हमें निकालना है। अब देखिए पिलास लेंगे, आप सप्लाई काट देंगे, ऐसा नहीं सप्लाई जोड़ के। तीनों वायर को हमने काट के अलग कर दिया। ये आपको ध्यान देना है कौन से वायर कहाँ लगा हुआ है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। गलत वायर नहीं लगाना है डोर लॉक स्विच पे, ये आपको विशेष ध्यान देना हो। अब हम इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके और बढ़िया से इसको हम थिम्बलिंग कर देंगे। थिम्बल आपको मैं पहले ही दिखा दिया हूँ, जो क्लिप टाइप थिम्बल हैं, इसको बढ़िया से हम थिम्बलिंग कर देंगे, क्योंकि वो कनेक्टर तो मिलना मुश्किल है। अगर कनेक्टर नहीं मिलेगा तो क्या आपकी वॉशिंग मशीन बंद रहेगी? नहीं। तो इसीलिए हम यह वीडियो बनाए हैं कि आप तत्काल ही वॉशिंग मशीन चालू कर सकते हैं। इस क्लिप को लगाएं, और लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वायर मोटे हैं, क्लिप पतली है, तो सही तरह से नहीं बैठेगा। हम इसको निकाल के इसमें हम थिम्बल कर देंगे। थिम्बल को आपको अच्छी तरह से पंच करना है, थिम्बल लूज नहीं होना चाहिए, और थिम्बल को ऐसा लगाना है कि आपस में यह भिड़े ना, आपस में मतलब टच ना हो। ये टच भी नहीं होगा और 100% टच नहीं होगा, इसको हम सही तरह से लगाएंगे। तो दोस्तों आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, अब दूसरे वायर को पीवीसी उतार के, अगर आप हमारी वीडियो से कुछ प्रेरणा मिलती है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी हमारे चैनल से प्रेरणा मिले या कुछ सीख मिले। दूसरा भी थिम्बल लगाएंगे, सीख मिले। बस हम एक लगन से मेहनत से ऐसी सी वीडियो बना के आपको दिखाते हैं। आप लोगों को भी चाहिए कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर आदमी को इस चैनल से जुड़े और उनको भी जानकारी मिले। इसमें भी थिम्बल लगाएंगे और ये सही तरह से पंच करना है, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। पंचिंग लूज नहीं होनी चाहिए, और जो थिम्बल लाए हो वो भी थिम्बल अच्छा मजबूत होना चाहिए। और ये बिल्कुल इसको हमें अच्छी तरह से पंच करना है। कभी कभी पंच करते समय ये टूट भी जाता है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। अब हम तीसरे वाले वायर को भी, दो वायर पे थिम्बल लगा दिया हूँ, और तीसरे भी हमें थिम्बल लगा देना है। और अगर हो सके तो आप सोल्डरिंग कर दें, लेकिन हम सोल्डरिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, अब हम वैसे ही थिम्बल कर दें। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट वर्क है हमारा, और इसमें किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। तो हम तीसरे में भी अब थिम्बल लगा देंगे, क्योंकि दो वायर में तो लगा रखा हूँ, एक वायर और है इसमें, और हम बढ़िया से थिम्बल कर देंगे। अब हमारे पास जो कमेंट आ रहे हैं कि माइक्रोवेव बनाना सिखाएं और फ्रिज बनाना सिखाएं, तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम फ्रिज भी बनाना सिखाएंगे आपको, माइक्रोवेव भी बनाना सिखाएंगे, और डिशवाशर भी बनाना सिखाएंगे। बस कुछ समय का अभाव है, इसीलिए हम ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब जब भी टाइम मिलेगा तब तब हम आपके लिए एक नई नई वीडियो बना के और ला के दिखाएंगे। अब इनमें हमें टेप मार देना है, टेप को अच्छी तरह से टेपिंग करना है, जो थिम्बल है उसके ऊपर अच्छी तरह से हमें टेप लगा देना चाहिए। तो हम आपको हर चीज़ की जानकारी देंगे, ये एक
जो टच शंकर है ये ऐसे चैनल नहीं है, आपको हर चीज़ की इसमें हम जानकारियाँ देंगे। शायद आप सोचे नहीं होंगे एबीवी चीज़ की जानकारी, हम हर चीज़ की जानकारी देंगे और जानकारी रखते हैं इस चीज़ की। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन दबाना पड़ेगा ताकि जैसे नई नई वीडियो बनती है आपके पास सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस थिम्बल को इसका जो पार्ट है वो दिखाई नहीं पड़े, इतना टेप लगाना है कि इसका पार्ट ना दिखाई पड़े ताकि वो कहीं पे टच ना हो। अब हम इसको टेप से अच्छी तरह से टेपिंग करेंगे। और ये बढ़िया से टेप से हमें इनको लगा देना पड़ेगा। अब ये 1.5 लाख से देखो इसमें जला है, फिर भी हम इस पर लगा के चला गएंगे। तो पहले हम ब्लैक वायर, फिर नंबर और थोड़ा कैमरा, अब हम नंबर 2 पे लगाएंगे और ये नंबर 3 जो भूरे कलर के नंबर 3 पे डालेंगे। एक नंबर पे ब्लैक और 3 नंबर पे ब्राउन और 2 नंबर पे ग्रे। अब देखिए इसको हम तीनों कर दिए हैं, अब हम मशीन को चलाएंगे। जब हम मशीन को चलाएंगे तो प्लीज डोर ओपन, प्लीज लो ओपन, तो इस तरह के जो पहले था वही रहे, देखा डोर ओपन प्लीज क्लोज। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि डूरला खराब है, आपको 4-5 बार नोब को बंद चालू करना पड़ेगा तो फिर स्टार्ट हो जाएगा वो। फिर चलो मैं एक बार फिर चालू करता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर अभी वही दिखा रहा है। तो अभी भी मत समझना कि डूरला खराब है, क्योंकि इसमें जो फंक्शन होते हैं वो काम करते हैं। फिर हम इसको चलाएंगे बंद करके, देखो 1.5 लाख सही बताने लगा, मतलब ये कार्य पूरा हो गया है, वो सही हो गया है। अब हमारी मशीन चल जाएगी, 1.5 लाख काम कर रहा है, 1.5 लाख भी देखो पानी ले ली वॉशिंग मशीन, फील पे आ गया है, तो इसका 1.5 लाख बिल्कुल सही हो गया। अब हम बंद करके 1.5 लाख को अंदर लगा देंगे। तो दोस्तों 1.5 लाख भी सही हो गया हमारा, क्योंकि 1.5 लाख भी जला था, 1.5 लाख खराब नहीं था, वो ऊपर का कनेक्टर जलने के कारण ऐसा एरर कोड आ गया था। तो ये देख लो, ब्लैक वायर 1 नंबर पे, 3 वायर ब्राउन और थोड़ा एक ग्रे कलर का है वो 2 नंबर पे लगा हुआ है। इस तरह से आप कनेक्शन करें, लेकिन तार लगाने के बाद अगर इस तरह कनेक्शन होगा इसमें हमें फिर टेप मारना पड़ेगा, ताकि जब मशीन हमारी चलती है तो वाइब्रेट करती है, तो ऐसा ना हो कि तार निकल जाए। तो इसको टेप मार के ऊपर से भी जोड़ देना ताकि तार हमारा निकले ना, जो ये वायर है ये निकले ना। देखो हम इसको बढ़िया से टेपिंग कर देंगे, तीनों को इकट्ठा कर देंगे ताकि एक भी तार इधर से उधर ना हो। अगर ये आपस में टच होगा तो धमाका भी हो सकता है, स्पार्क हो सकता है, तो उससे बचने के लिए हम इसको बराबर से टेपिंग कर देंगे। टेपिंग करने इसको, अब उसको हम ऊपर की साइड लेके इधर से और फिर इसको हम यहाँ जोड़ेंगे ताकि ये वायर निकले ना। 2 बार लपेटने फिर इसे हम घुमा देंगे और हाँ ऐसे करके अब इधर से हम ले लेंगे इसको। अब ये ऊपर से भी पकड़ लिया, अभी गिरेगा नहीं वायर, जो इसकी वायर कभी नहीं निकलेगी, बिना निकाले अभी नहीं निकलेगी, कि इसमें 3-4 राउंड हम लगा चुके हैं। ये बिल्कुल फिक्स हो गया और तगड़ा काम हो गया। अब इसको हम लगा देंगे, इसको हम फिर से घुमाएंगे, आराम से बैठाएंगे, ये इस तरह है बैठ गया। अब इसमें हम दोनों स्क्रू को टाइट करेंगे, एक स्क्रू ऊपर लगा देंगे और फिर उसके बाद हम नीचे ना लगाएंगे, बिल्कुल हमें इसको टाइट कर देना है। तो दोस्तों हमें आपसे यही अनुरोध है कि आप हमारी वीडियो को देखे होंगे,
अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहें और अपना नॉलेज बढ़ाते रहें और दूसरों का भी आप सहयोग करें ताकि उनको भी नई नई जानकारियां मिलें। अब इस स्लिप रबर को हम चारों साइड से उस लॉक पे बैठा देंगे। बैठ गए, अब हमें हिस्से में इसको हम स्प्रिंग जो निकाले हुए थे ये लॉक स्प्रिंग इसको हम बढ़िया से बैठा के और ये यहाँ से भी उठा के ये बन गया। अब हम गेट बंद करके वॉशिंग मशीन को चलाएंगे। ये गेट बंद, चलो हम नोब को घुमाते हैं। नोब को घुमा दिए और ये डोर लॉक चाइल्ड लॉक अवेलेबल। अब ये वॉशिंग मशीन चालू हो गई। तो दोस्तों देखो अभी तुरंत वॉशिंग मशीन पानी ले लिया है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।